लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रायसादा नरसिंह को गिरफ्तार करने का एक तरीका है जावेद। वो क्या? तुम तो जानते हो राजेश्वर नाथ रायसादा का बहुत ही करीबी आदमी है। अगर ये सरकारी गवाह बन जाए तो रायसादा नरसिंह, जो शहर के बहुत इज्जतदार रईस माने जाते हैं, अगले 14 साल के लिए जेल में बैठे होंगे। हाँ, लेकिन रायसादा जैसे खतरनाक आदमी के खिलाफ गवाही दे के राजेश्वर अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? उसे ये समझाना हमारा काम है। इस फाइल में कुछ ऐसे कागजात हैं जिनकी बिना पर पुलिस राजेश्वर को गिरफ्तार कर सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम राजेश्वर को मिलो और से ये समझाओ कि अगर वो पुलिस और कानून की मदद करेगा तो पुलिस उसकी सजा माफ करवा देगी। सोचने और गौर करने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। अगर मैं रायसादा के खिलाफ गवाही देता हूं तो मेरी मौत तय है, और अगर नहीं देता तो पुलिस मुझे 10 साल की सजा करवा देगी। तुम सजा के बारे में क्यों सोचते हो? उस जिंदगी के बारे में सोचो जो एक शरीफ आदमी की हैसियत से तुम अपनी बीवी और भाई के साथ गुजार सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। जरूर सोचो, लेकिन मेरी राय है जो बात जमीर कहे उसे फौरन मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो बात सही होती है। तो तुम अब क्या करोगे? कहीं तुम रायसादा के खिलाफ गवाही देने को तो नहीं सोच रहे? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें और मुझे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, फिर तुम्हारे भाई को कौन संभालेगा, जिसको हमेशा हमने औलाद से बढ़के माना है? इसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा तोड़ा। अरे यार, ये कौन सा गाना जिसकी वजह से हमारी इतनी पिटाई हो रही है? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। सूरज साहब, आओ जावेद, चलो बेटा उतरो, हमको अंकल से बात करनी है। लोग ठीक ही कहते हैं, अजीत को कभी अपने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे छोड़ो यार, माँ बाप तो होते ही इसलिए है कि बच्चों को प्यार दे। तुम ये बताओ कि राजेश्वर नाथ से क्या बात हुई? सूरज साहब, मेरे ख्याल से राजेश्वर नाथ रायसादा के खिलाफ पुलिस की मदद जरूर करेगा। Are you sure? Yes, sir. जावेद, अब कल शाम मेयर साहब की पार्टी पे रायसादा से मुलाकात का मुझे इंतजार रहेगा। रायसादा साहब, मैंने नेत्रप्रभा पत्रिका में आपका लेख पढ़ा जिसमें आपने बताया कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से कलुषित भावनाएं कैसे कम हो जाती है। शास्त्री जी, उसकी चर्चा तो दुनिया भर में है और उस लेख का अनुवाद तो कितनी ही भाषाओं में हो चुका है। अच्छा? जी हाँ, मेरे पास उसकी बहुत सी कॉपीज पड़ी हैं। नमस्ते। अभी हाल ही में अमेरिका। राजादा साहब, सूरज बान जी आए। वो आपके दोस्त गुप्ता जी नजर आए। मैं अभी हाजिर हुआ। कोई बात नहीं, बहुत शरारती हो गया, वो अजीत सो नहीं रहा था। गुड इवनिंग सूरज बान जी। रायसादा नरसिंह, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुना है मेरे खिलाफ आप कोई केस तैयार कर रहे हैं, आप मुझसे कहिए, मैं आपकी कोई मदद करूं? कोई खास गवाह या सबूत चाहिए हो तो? जी नहीं, शुक्रिया, ऐसी कोई जरूरत हुई तो आपको जरूर तकलीफ दूंगा। भला आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है? भाई वाह, क्या बात है, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। ये शायद पुलिस की अफसरी का जादू है। ये किसी अफसरी का जादू नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत का जादू है। जादू पर एक कहानी याद आ गई। एक राक्षस था, उसके पास एक जादू की तलवार थी और उस जादू की तलवार से वो किसी को भी मार सकता था। सब देवताओं ने मिलकर राक्षस को मारने की ठानी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि राक्षस के पास एक जादू की तलवार है। गर्जे के देवताओं की बुरी तरह से हार हुई और राक्षस की जीत के डंके चारों तरफ बजने लगे। एक मिनट, राजादा साहब, आप कहानी कुछ गलत सुना गए। दरअसल वो तलवार राक्षस के एक वफादार गुलाम के पास थी
और वहां एक राजकुमार भी था जो राक्षस को मार के हमेशा के लिए उसके आतंक को खत्म कर देना चाहता था। उसने राक्षस के गुलाम के साथ दोस्ती की, उससे वो तलवार हासिल की और उसी तलवार के साथ राक्षस को खत्म कर दिया। वो वफादार नहीं, कोई नमक हराम गुलाम होगा। नहीं, एक अच्छा इंसान कहिए। ये मत भूलिए राजादा साहब कि गुलामों के सीने में भी दिल होता है और उस दिल में जमीर होता है। राजादा साहब, उस पार्टी में सूरजबान ने सुनाई कहानी का राज मैंने मालूम कर लिया है। वो वफादार गुलाम जो आपको धोखा देने वाला है वो अपना राजेश्वरनाथ है। क्या कह रहे हो? राजेश्वरनाथ और मेरे खिलाफ गवाही दे, ये मैं कभी नहीं मान सकता। आप माने या ना माने लेकिन मैं सही कह रहा हूँ राजादा साहब। क्या राजेश्वरनाथ के पास कोई ऐसे सबूत है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? हाँ, है तो सही। तो अब आप क्या सोचते हैं? रायजादा सोचता नहीं, करता है। मैं एक ही बार में दो निशाने लगाऊंगा जिससे ना तो राजेश्वरनाथ गवाही दे और ना ही सूरज भान उस गवाही को इस्तेमाल करने के काबिल रह सके। वो कैसे? वो सूरज भान के घर में कौन कौन है? अजीत मेरा इकलौता बेटा है रायजादा, और फिर तुम्हारी लड़ाई तो मेरे साथ है। उस बच्चे को बीच में को डाल रहे हो। है तो बहुत गलत बात, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मैं अपने बच्चे को मिल सकता हूं? हाँ जरूर आओ। अजीत, ये बच्चा कौन है? राजेश्वरनाथ का छोटा भाई। राजेश्वरनाथ? हाँ, जिन गुलामों के जमीर जाग जाते हैं हम उनके हाथ काट देते हैं ताकि वो जादू की तलवार कभी हमारे खिलाफ उठा ही ना सके। राजादा, मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ तुमसे। अरे वाह, हिंदुस्तान की पुलिस की नाक एक मुजरिम के आगे झुक गई। शेम शेम शेम। खैर, मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मान सकता हूँ। वो क्या? वो ये कि राजेश्वरनाथ से फोन करके कहो कि अगर वो अपने भाई की जिंदगी चाहता है। भाई की जिंदगी? सवाल मत करो, सिर्फ सुनो। उससे कहो कि रायजादा के खिलाफ जितने सबूत हैं, यानी कि सारे कागजात लेकर मेरे पुराने बंगले पे पहुंच जाए। सूरज भान, राजेश्वरनाथ, कौन? सूरज भान? हाँ, वो कागज लाए। बाहर कार में पड़े हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। वो यहीं है और ठीक है, मुझे वो कागज चाहिए। सूरज भान, तुम तो खुद मुझसे रायजादा के खिलाफ गवाही देने के लिए कह रहे थे, फिर ये इस तरह कागज मंगवाने का क्या मतलब? मुझे उन कागजात की जरूरत है। जाओ, जाके कार में से ले आओ। नहीं, पहले मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? वो उस कमरे में है, लेकिन मुन्ना, मैं तुझे मार डाला।
राजेश्वर, मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया। उसका खून रायजादा ने किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ने तो मुझे यहां बुलाया था। मैं मजबूर था राजेश्वर। मेरा बेटा अजीत रायजादा के कब्जे में है। तुम्हारा बेटा रायजादा के पास कैसे पहुंच गया? जैसे तुम्हारा भाई रायजादा ने उसे उठवा लिया। तुम्हारा बेटा अजीत अब भी रायजादा के कब्जे में है? हाँ, हो सके तो अजीत को बचा लेना। अब स्त्रिया में उसका सूरजभान तुमने राजेश्वरनाथ के भाई का खून नहीं किया। नहीं। तुमने सूरज भान को भी नहीं मारा। नहीं। तुमने अजीत को किडनैप भी नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। कितनी बार कहूंगा कि नहीं। एक ही बात को बार बार पूछने से क्या मैं हाँ कह दूंगा? मुझे नहीं मालूम कि सूरज भान कौन है, उसका बेटा अजीत कौन है। ओह डैम यू, शट अप। इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी गालियां बचा कर रखिए, बाद में खुद को कोसने के काम। चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब, ये रायजादा नरसिंह के जमानत के कागजात हैं। और रायजादा साहब को फौरन रिहा कर दीजिए। जाओ रायजादा को ले आओ। अजीत का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? नहीं, कुछ पता नहीं चला। रायजादा इतना पक्का मुजरिम है कि कुछ पता था ही नहीं। ओ राजेश्वरनाथ, भाई सुना है कि किसी ने तुम्हारे छोटे भाई का खून कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है। अगर मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं नहीं। इंस्पेक्टर साहब, राजेश्वर, रायजादा को सजा दिलवाने का एक ही तरीका है। तुम रायजादा के खिलाफ वो गवाही दो जो सूरज भान चाहता था। कभी नहीं। तुम ऐसे खुल के रायजादा से दुश्मनी नहीं ले सकते। वो हमें मार डालेगा। कुछ नहीं होगा। अगर तुम पुलिस की मदद करोगे तो मैं एक नए नाम, एक नई आइडेंटिटी के साथ विदेश भेज दिया जाएगा। मतलब? मतलब ये कि तुम जहां भी जाओगे एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगे, और मेरे अलावा इस नए आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और वहां रायजादा का भी कोई खतरा नहीं। ये सब कुछ क्या हो गया रायजादा साहब? ये सब कुछ क्या हो गया रायजादा साहब? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये क्या औरतों की तरह रो रहे हो? चुप रहो। सॉरी रायजादा साहब। राजेश्वरनाथ का कुछ पता चला? नहीं, जिस दिन से उसने गवाही दी वो उसी दिन से गायब है। मतलब? मतलब ये कि उसके घर पे तो ताला है रायजादा साहब, और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ खबर है। उसे ढूंढना हंसो, ढूंढना उसे जी, अच्छी तरह से ढूंढना। ठीक है रायजादा साहब। रायजादा साहब, सूरज भान का बेटा अजीत, उसका क्या काम है? अजीत, उसे वो बनाओ जो उसका बाप नहीं था, उसे राजा बनाओ। राजा? राजा? हाँ, काले धंधों का। Thank you.
सुना कहा? निशा के पास। निशा कौन? वो हुजूर की कैबरे डांसर। निशा कहा? ऊपर आइटम कर रही है।
हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्यों? अजीत नाम का एक स्मगलर इस शिप में छुपा हुआ है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। ओके। मैं अजीत हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे घुसे? और कहाँ घुसता? क्या हुआ मिस निशा? नहीं नहीं कुछ नहीं। सर यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ? अगर आप अंदर आके देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर चलिए ना अंदर चल के देख लेते हैं। शट अप। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ हाँ जी नहीं हम चलते हैं। ओके मिस निशा हम चलते हैं। तुमने होशियारी से काम नहीं लिया जी। अगर कस्टम को तुम पे शक था तो तुम्हें यहाँ आके अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। खतरों ने मुझे पाला है, मौत के साए में मैं जवान हुआ हूँ। डरो दहशत, इन लफ्जों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैं चलता हूँ। अजीत वो लोग बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। घबराओ मत, मैं अपनी जान घर की तिजोरी में बंद करके आता हूँ। जिंदगी में मौका मिला तो फिर मिलेंगे। बाय। आओ अजीत, सोना बहुत भारी होता है, लगता है ये जैकेट उठाकर तुम थके होगे। लाओ ये मुझे दे दो। मुझे जानते हो? हाँ नाम मानक, पेशा दादागिरी, 10 बार जेल जा चुके हो और आजकल किसी फटीचर स्मगलर के फटीचर चमचे हो। और क्या जानते हो मेरे बारे में? एक ऐसी बात जो तुम भी नहीं जानते, और वो ये कि अभी तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। अंशु भाई। अरे अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, कहिए कुछ काम है क्या? अंशु भाई यूनिफॉर्म पहनकर मैं आपके होटल में चीज पकौड़े खाने तो नहीं आया। जी वो तो है। वो आपका लॉबी मैनेजर अजीत कहाँ है? अजीत वो तो अपने कमरे में है। क्यों क्यों का पता कमरे में चलेगा? आइए मेरे साथ। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब। कहाँ है मिस्टर अजीत? वो तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। गुड मॉर्निंग हंसु भाई। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अजीत इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बाहर आ जाऊँ। नहीं नहीं इट्स ऑलराइट। अब मैं आपको चीज पकौड़े खिलाऊं? तुम भी कमाल करते हो अजीत, आज तो मैं सचमुच घबरा गया। आप घबरा गए थे? ये दाव पेच मुझे सिखाए किसने? हाँ वो तो है, लेकिन आज तो चिल्ला गुर से भी आगे बढ़ गया। ये तो दुनिया की रीत है। वाकई अजीत तुम अपने काम में लाजवाब होते चले जा रहे हो। कल जब रायजादा साहब आएंगे तो तुम्हारी तरक्की देखकर बड़े खुश होंगे। रायजादा साहब कल जेल से रिहा हो रहे हैं क्या? नमस्ते जी। कैसे हो? ठीक हूँ सर। राजा
रायजादा साहब ये अजीत है। आपके पुराने दोस्त सूरज पान उन्हीं का बेटा, और आपकी गैरहाजिरी में इन्होंने पूरा धंधा संभाला है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। देखा रायजादा साहब, मैंने अजीत को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा आप बनाना चाहते हैं। हाँ देखा, वेरी गुड। अच्छा अब सबसे जरूरी बात बताओ कि राजेश्वरनाथ का कहीं पता चला? नहीं, उस मामले में हम लोग बिल्कुल फेल हो गए। उसको ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर क्या अगर मगर हंसु भाई, जितनी होशियारी तुमने अजीत को पालने में दिखाई है उतनी नालायकी तुमने राजेश्वर को ढूंढने में दिखाई। इतने अरसे से तुम्हें एक आदमी का पता नहीं लगा सके? देखना अगर वो जहन्नुम में भी छिपा होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने 14 साल की सजा की कीमत वसूल करनी है मुझे। हाय निशा। अजीत, हाय, यहाँ कैसे? उस जैकेट की पेमेंट लाया हूँ। निशा, ये लो पैसे। निशा, मजाक छोड़ो, ये पैसे लो। क्या सिर्फ इसीलिए आए हो? हाँ फिलहाल तो इसीलिए। मैं ये पैकेट नहीं लूंगी। क्यों? इसलिए जब तक तुमसे पैकेट नहीं लूंगी तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। इसे संभालो। ए, बुरा मान गए क्या? नहीं तो? तो फिर थोड़ी देर बैठो मेरे पास, कॉफी पीते हैं। चलो। अजीत, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हूँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए कि एक तरह से हम दोनों अजनबी हैं, और मेरा तुम्हारे साथ इस तरह मजाक करना, छेड़ना, क्या अजीब नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी। हाँ वजह तो है। अजीत, मैंने अब तक अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी है, हालतिया से ही। जो कुछ भी किया अकेले ही किया, मगर तुमसे मुझे एक अजीब सपनापन मिला है। जी चाह कि तुम जैसा एक दोस्त भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। अकेला तो शायद हर इंसान अपने आप को महसूस करता है निशा, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। थैंक यू। आपके काम के लिए मालदीव्स जैसी दूसरी जगह है ही नहीं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये मुल्क हिंदुस्तान के बहुत करीब है। सुखाड़िया साहब, इनमें से कौन सा आइलैंड हमारे काम का है? एक छोटा सा आइलैंड है बेंडोस, वो हर तरह से डेवलप्ड है और यहाँ पुलिस चेकिंग का भी कोई खास खतरा नहीं। और ये वो होटल है जो मैं आपको खरीदने के लिए कह रहा हूँ। टूरिज्म की आड़ में आपका काम बड़ी आसानी से हो सकता है, और होटल के इस पिछले हिस्से में सिर्फ छोटी बोट से ही जा सकते हैं, और वो बड़े फायदे की बात है, क्योंकि पुलिस की रेड में कभी रुको। रिवर्स करो, वापस लेके जाओ, बस रोको, फॉरवर्ड चलाओ। स्टॉप इट। ये आदमी कौन है? कौन सा? ये? हाँ ये तो मालदीव्स के बहुत बड़े रईस हैं, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। हाँ? क्या नाम है इसका? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर। सुखाड़िया, तुम्हारी मालदीव की स्कीम मुझे पसंद आई।
मैं 2-3 रोज में सोचकर बताऊंगा कि वहां क्या और कैसे करना है। अब तुम जा सकते हो। हंसु भाई जी, मैंने कहा था ना कि राजेश्वर नाथ को एक ना एक दिन ढूंढ निकालूंगा। तो क्या अब आप मालदीव जाकर राजेश्वर? बेवकूफी की बातें मत करो हंसु भाई, मैं अपने हाथ काले क्यों करूंगा? तो फिर अब आप क्या करेंगे राजादा साहब? बस अब तुम मेरी चाल देखते जाओ। आखिर मैंने अजीत को किस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? यही तो मकसद था उसे जिंदा रखने का। अब मैं सूरज भान के बेटे के जरिए ही राजेश्वर नाथ को खत्म करूंगा। एक तीर दो निशाने। आपने मुझे बुलाया राजादा साहब? आओ अजीत बैठो। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूं। मेरी जिंदगी की एक अधूरी कहानी है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे तुम्हारी राय चाहिए। मैं आपको क्या राय दे सकता हूं? मेरा एक बहुत गहरा दोस्त था, पांडव जैसा वीर और सच्चा था। ये कहानी उस बहादुर पांडव और उसके एक दुश्मन कौरव की है। एक पांडव और एक कौरव? पांडव का एक प्यारा सा अभिमन्यु जैसा बेटा था। कौरव ने उस पांडव को खत्म करने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया। सबसे पहले उसने खुद अपने भाई का खून किया। उसने अपने भाई का खून कर दिया? हाँ, और उसने उस खून का इल्जाम पांडव पर लगा दिया। साथ ही उसने उसके बेटे अभिमन्यु को उठवाकर बंदी बना लिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने अदालत में महाराज के सामने मुंह खोला तो वो उसके बेटे अभिमन्यु को मार डालेगा। मेरे दोस्त पांडव ने अपने बेटे की जान की सलामती के लिए खुद मौत को गले लगा लिया। बाद में मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर अभिमन्यु को तो उसके चुंगल से बचा लिया, लेकिन वो कमीना मेरे हाथों से भाग निकला। और आज इतने सालों के बाद मुझे उसका पता चला है कि वो कहां है। अब तुम्हें बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है कि आपको अपने दोस्त के साथ किए गए धोखे का बदला लेना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उस दुर्योधन की जान लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। वो सत्यवान पांडव तुम्हारे पूज्य पिताजी थे, और वो अभिमन्यु तुम हो। हाँ बेटे, हंसु भाई, आपने तो कहा था कि मेरे पापा एक्सीडेंट में। वो गलत था। जो कुछ रायजादा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम्हारे पापा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तो फिर आपने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे बेटे, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस हरामजादे का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब तो पता चल गया है। उसका नाम क्या है? क्या करोगे जानकर? मुझे उसका नाम बताइए अंकल। क्या फायदा अजीत? मुझे उसका नाम बताइए। नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम हरामजादे का खून करके अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए उतावले हो रहे हो। हाँ, और मुझे उस आदमी का नाम और पता जानने का पूरा हक है। नहीं, मुझे उस आदमी का नाम बताइए। उसका नाम गिरजा शंकर। वो मालदीव्स में रहता है। Thank you.
Excuse me. आप ही कमाल करते हैं जावेद साहब, इसमें शुक्रिया कैसा? आप ही की वजह से तो मुझे नई जिंदगी मिली है। ये दौलत, ये आराम, सब पुलिस की मदद से तो हुआ है। अरे छोड़ो यार, बरसों पहले तुमने भी तो पुलिस की मदद की थी। मैंने तो वही किया जो मेरे जमीर और ईमान ने मुझसे कहा था। आइए, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ पैकेट ऑफ बेंजीन एंड हेजिस प्लीज? ये लीजिए पैसे। अरे जावेद साहब कमाल करते हैं, हमारे रहते आप पैसे देंगे? थैंक यू, ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, आप हिंदुस्तानी हैं? एयर मालदीव्स एंड आई हिंदुस्तान से आया हूं, और मुझे यहां किसी का... अरे भाई फ्लाइट अनाउंस हो गई, चलिए जल्दी। एक्सक्यूज मी जावेद साहब, आप जाते मुझे टेलीग्राम। एक्सक्यूज मी, यस, आई एम लुकिंग फॉर अ जेंटलमैन कॉल्ड गिरिजा शंकर। He was just here. Me? You just spoke to him. The bald man. So, Javed. Air Maldives announces the departure of flight 186 to Trivandrum. अरे यार फिर वही बात, साहब 10 बार बता दिया कि गिरिजा शंकर के आइलैंड पर कोई नहीं जा सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है वहाँ। कितनी भी सिक्योरिटी हो, कोई तरीका तो जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, गिरिजा शंकर का आइलैंड है कहाँ? रुक जाओ, यहाँ आना मना है, यहाँ से वापस जाओ। अगर सड़क होती तो मैं तुमसे पूछता कि ये तुम्हारे बाप की सड़क है, मगर समुद्र में तो ये भी नहीं पूछ सकता। बातें मत बनाओ, ये सारा इलाका गिरिजा शंकर साहब का है, इसके हद के अंदर आना गैर कानूनी है। देखिए मैं तो टूरिस्ट हूँ, मुझे आपके मालदीव्स के कानून नहीं मालूम, माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से जाइए। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम गिरिजा शंकर के आइलैंड पे नहीं जा पाओगे। अरे यार मेरा गिरिजा शंकर से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, तुम गिरिजा शंकर के किसी दोस्त को जानती हो जिसका उसके घर आना जाना हो? दोस्त? उसकी एक साली है। साली? माले में हेल्थ क्लब चलाती है। क्या हुस्न है उसका, हेल्थ क्लब की वेल्थ है वो। कोरी है, कर रही है। कवारी है। क्या बकवास कर रहे हो? आपकी नजरों की तारीफ कर रहा था, ऐसे गुस्से से तमतमा के दिल पर पड़ती है कि दिल तो राख हो जाता है।
राख हो गया है तो जाकर किसी एश्ट्रे में डाल दो। मेरी नजरें ना तो कुमारी हैं और ना ही करारी हैं, मगर तुम्हारे भेजे में जरूर कोई बीमारी है। स्टूपिड। तुम भी कमाल करती हो गीता, रायजादा यहाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानती हूँ कि रायजादा की सजा पूरी हो चुकी है। जेल से छुटते ही वो पहला काम ये करेगा कि हम लोगों को ढूंढेगा। हाय जीजा जी। हेलो। हाय दीदी। क्या बात है दीदी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। तुम्हारी दीदी कब परेशान नहीं लगती, वही रायजादा का डर। ओ कम ऑन दीदी, इस बात को तो 14 साल हो गए हैं। हाँ बेटे। पापा, चलिए मेरे साथ खेलें। बेटे हम जरा चाय पी लें, रुक जाओ। चाय भाई कुछ नहीं, चलिए। गुड्डू अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, 2 मिनट रुक जाओ। एकदम हो गए 2 मिनट। बेटे 2 मिनट के लिए 120 गिनने पड़ते हैं। गिनते गिनते कुछ नहीं, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ये क्या दीदी, तुम तो कुछ कहती नहीं, गुड्डू दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। क्या करूँ, रोमा को कुछ कहती हूँ तो तुम्हारे जीजाजी मुझे डांटते हैं, रोमा को कोई कुछ कह नहीं सकता। ये दिन में कितनी बार खेलोगी मरीना के साथ? मरीना, चलो आओ। देखो ये कोई अच्छी बात है, जीजा जी के लाड प्यार ने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। तुम तो जानती हो तुम्हारे जीजा जी पर क्या बीत चुकी है, इसीलिए शायद वो रोमा को इतना प्यार। अब छोड़ो ना दीदी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और जीजा जी हमेशा इसी बात को क्यों दोहराते रहते हो, हमेशा परेशान रहने से और डरने से क्या उसका दुख कम हो जाएगा? नहीं फिर भी। अब जाने दो ना दीदी, जो खो दिया है उसके बारे में हमेशा क्यों सोचना, जो पाया है उसको भी तो देखो ना। बचा ले, झुका ले निगाहें, ये आंख
अभी जो झुकी है अभी जो उठी है इसी पे हमारी जवानी लुटी है। अभी जो झुकी है अभी जो उठी है इसी पे हमारी जवानी लुटी है। यही है मोहब्बत की मारी नजर मार डालेगी जालिम तुम्हारी नजर। ये कोरी करारी कवारी नजर मार डालेगी जालिम तुम्हारी। Good. Oh God. तुम फिर यहां? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो। क्या मैं आपके ओशन क्लब का मेंबर बन सकता हूं? क्यों नहीं? औरों की तरह तुम भी मेंबर बन सकते हो। क्या? आपने मुझे भी भीड़ों की भीड़ में गिन लिया? तुम चाहते क्या हो? समुद्र में मोती ढूंढना चाहता हूं। सुना है असली मोती समुद्र में ही मिलते हैं। तो इसमें क्लब मेंबर बनने की क्या जरूरत है? सामने समुद्र है, जाके जितने मोती चाहे चुन लो। सुनिए लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं डूब जाऊंगा। क्यों? मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? आप मुझे तैरना सिखाएंगी? अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा, आओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं अरे वहां कहां जा रहे हो? चलो अंदर, मैं हूं ना। चलो चलो, कम ऑन, चलो जल्दी करो, कम ऑन, डोंट बी स्केयर्ड, चलो कम ऑन, आओ। क्या हुआ? पैर में मसल पुल हो गया। पैर में कोई मसल पुल नहीं हुआ, तुम्हारा मसल पुल हुआ है यहाँ। चलो चलो अंदर पानी के। इतने डरते क्यों हो? चलो मैं हूं ना, कम ऑन। हाँ, अब पानी में बैठ जाओ, हाँ, that's a good boy। अब हाथ को ऐसे करो, ऐसे, बड़ा मोमेंट लो, अब पैर की ऐसे मोमेंट लो, ऐसे, अरे, ऐसे नहीं, सुनो, पहले लेट जाओ। Oh my God! लाया, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। मैं मजाक कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये तो होना मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसका नाम तक मैं नहीं जानती। निशा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम अजीत में इंटरेस्टेड हो और जानना चाहती हो कि वो कहाँ है। अजीत मालदीव्स में है। हाँ? और मैं तुम्हें वहां भेजना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मालदीव्स में हमने एक होटल रिजॉर्ट खरीदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सुपरविजन करो, खास तौर पर क्लब और एंटरटेनमेंट की। जी। और हाँ, जैसे ही तुम मालदीव्स पहुंचो अजीत का मेरे साथ कांटेक्ट करवाओ। मैं जानना चाहता हूं कि वो अपने काम में कहां तक पहुंचा है। मुझे घर जाना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं बाबा, मेरी दीदी और जीजा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ा। नहीं नहीं, तुम मेरे आइलैंड पे नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे आइलैंड पे किसी अजनबी का आना बिल्कुल मना है। क्या क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ? हाँ। मैं अजनबी हूँ? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया अंजलि, धूप में दौड़ा, पेड़ पर भी चढ़ा, पानी में भी गिरा। और मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे लिए अजनबी ना रहूं? कुछ खास नहीं, बस मिलते रहिए। जब आप अजनबी नहीं रहेंगे तो मैं बता दूंगी। शायद मुझे तुम्हारा अपना बन जाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या? Yeah!
आने जाने में काफी टाइम वेस्ट होता है अंजलि। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए आ जाओ ताकि वापस ना जाना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अंजलि। अजीत, अजीत। अंजलि, तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाओगी? मैं आज ही जीजा जी से बात करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। निशा, तुम क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? कब आई? बस आज ही। रायजादा साहब का कोई मैसेज? हाँ, बहुत परेशान थे कि तुमने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें आज ही फोन पर कह दूंगी कि तुम यहाँ किसी लड़की के साथ बहुत बिजी हो। निशा, वो लड़की गिरजा शंकर की साली है। गिरजा शंकर की साली? हाँ, गिरजा शंकर तक पहुँचने का यही एक रास्ता है। अंजलि, क्या नाम बताया था उस लड़के का? किस लड़के का? अंजलि बता रही थी, एक लड़का है जो इसे बहुत पसंद है और वो इसे। चुप दीदी। जीजा जी, अजीत सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ या सिर्फ फ्रेंड? मासी, वो क्या आपका बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है। पापा बताओ कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड। रोमा, बीच में मत बोलो। तो फिर कब बोलूं? चुप हो जाओ। आप चुप हो जाओ। पापा बताओ कौन है मेरा। रोमा, हमें बात करने दोगी प्लीज? नहीं, पापा बताओ 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 कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड। गुड्डू बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम कुछ देर चुप बैठी रहो, पहले मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूं, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। कितनी देर बाद? बस 2 मिनट बाद। तो अंजलि, मैं क्यों हो गए 2 मिनट? नहीं बेटे, 2 मिनट के लिए 2 नहीं 120 गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अंजलि, कौन है आपके फ्रेंड? अजीत साहब। जीजा जी, वो हिंदुस्तान से आया है, उसका बहुत बड़ा फिशिंग बिजनेस है वहाँ। और सच पूछे तो जीजा जी, मुझे आज तक अजीत जैसा कोई नहीं मिला। ठीक है, काम करो, कल दोपहर उसे खाने पे बुला लो, मैं भी तो उससे मिलूं। अजीत, ये है मेरे जीजा जी। हेलो अजीत। गुड आफ्टरनून सर। शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने मेरा और आपका सामना करवा ही दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कब से अंजलि से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलवाओ, मगर मिलाती ही नहीं। मुझे तो ऐसे लगा कि हिंदुस्तान मुझे अपना टूटा हुआ दिल लेके वापस जाना पड़ेगा। आओ चाय पी। आओ अजीत, मैं तुम्हें अपना आइलैंड दिखाता हूँ। वाकई आपके पास एंटीक्स की जबरदस्त कलेक्शन है, ये कहां-कहां से इकट्ठे किया आपने? अरे ये कोई एक दो दिन का काम थोड़ी है, एक एक करके धीरे धीरे जमा किया है सब कुछ। ये देखो, ये पिस्टल टीपू सुल्तान के वक्त की है, और आओ तुम्हें तलवारें दिखाता हूँ। ये तलवार, ये वाली 1857 के गदर की है, इसकी नक्काशी देख रहे हो? बहुत खूबसूरत है। अजीत, अंजलि बता रही थी कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा मकसद है। कैसा मकसद? मुझे एक आदमी की तलाश है। कौन है वो आदमी? एक हैवान जिसने मेरे दिल में आग सी लगाई है। क्या वो मालदीव्स में रहता है? एक जमाने में वो हिंदुस्तान में रहता था, मगर अब मालदीव्स में है। मालदीव्स के तो हर हिंदुस्तानी को मैं जानता हूँ, क्या नाम है उसका? उस आदमी का नाम है। सुनिए, रोमा शायद फिर से कहीं छुप गई है। क्या? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। ओह माय गॉड। कहाँ है रोमा? मैं पूछता हूँ कहाँ है रोमा? तुम काम चोरों को रात दिन खिला पिला कर मैं इसलिए पाल रहा हूँ कि तुम एक छोटी सी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकते? जाओ तो झाड़ियों के पीछे देखो, जाओ। जीजा जी, रोमा मिल जाएगी।
दो मिनट के अंदर अगर तुमने रोमा को नहीं ढूंढ निकाला तो मैं तुम हरामजादों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। हमारे पीछे मेरे पापा मुझे ढूंढते होंगे, बहुत चिल्लाते होंगे। तुम लोग एक छोटी सी बच्चे को नहीं संभाल सकते क्या? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतने परेशान हैं और तुम यहाँ मजाक कर रही हो? ये तो मेरा और पापा का खेल है, लेकिन अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं रही छुपने के लिए। पापा को सब जगह का पता है। और सुनो, आपका नाम क्या है? अजीत। अजीत, ये नाम अच्छा नहीं है। मैं आपको दोस्त बुलाऊंगी। दोस्त, आपके पास कोई ऐसी जगह जहाँ पापा मुझे ढूंढ ना सके? जगह बाद में ढूंढेंगे, पहले चलो यहाँ से। छोड़ दो मुझे। गुड्डू, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कितनी बार कहा तुम्हें कैसे पापा को छोड़कर मत जाया करो, ये छुपना वगैरह आज से तुम्हारा बंद है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था, मेरा प्यारा बेटा? तुम अपने पापा को कभी परेशान नहीं करोगी? हाँ, तुम कभी ऐसे कभी छुप कर नहीं जाओगे आगे से? हाँ, तुमसे बिना बताए मत जाया करो, हमें खेल खेलना बंद कर देंगे। समझे, हंसने की बात नहीं है। अंजलि, मैं चलता हूँ। क्यों? इस वक्त तुम्हारे जीजा जी और दीदी रोमा की वजह से बहुत परेशान है। नहीं नहीं, वो तो अभी एक मिनट। कोई बात नहीं अंजलि, मैं फिर आऊंगा। मैंने अपना इरादा बदल दिया है निशा, मैं गिरिजा शंकर को नहीं मारूंगा। क्यों? आज जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा वो अपनी बेटी रोमा से बहुत प्यार करता है। वो उसकी आंख से एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो वो पागलों जैसा हो जाता है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं उसकी लाडली बेटी रोमा को उससे अलग कर दूंगा। उसे एक एक पल ऐसे तड़पाऊंगा जैसे पापा जेल में मेरे लिए तड़पे होंगे। गिरिजा शंकर को ये तो पता चले कि औलाद से बिछड़ जाने का गम क्या होता है। जीजा जी, रोमा के जरा से खेल से आप परेशान क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि बरसों पहले खाए हुए धोखे की दहशत आज भी मेरे दिल पर छाई हुई है। औलाद से बिछड़ जाने का गम ही एक ऐसा होता है जो वक्त के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अपने मुन्ना की मौत के सदमे से मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मैं समझती हूँ जीजा जी, लेकिन रोमा अगर पल भर के लिए भी मेरी आंखों से दूर हो जाती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। उसका ये मामूली सा आंख पिचोली का खेल भी ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन की एक खतरनाक चाल। दोस्त, आप भी क्या पापा के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन पापा को तो ये जगह मालूम है, वो आपको दो मिनट में पकड़ लेंगे। अब यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ बेटे, मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ तुम्हारे पापा हमें कभी ढूंढ नहीं सकते। कहाँ है वो जगह? यहाँ से बहुत दूर। सच? हाँ, तो फिर शुरू करें अपना खेल। तो ठीक है। पापा! अरे वो देखो, गुड्डू को लेकर कोई भाग रहा है, पकड़ो उसको। गुड्डू, गुड्डू! Thank you.
मत चलाओ। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? रोमा। हाँ दोस्त। देखो बेटे, मैं तुम्हारे डैडी को फोन करने वाला हूँ और उनसे तुम वही बात करोगी जो उस बोर्ड पे लिखा है। क्यों? क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ और बोलोगी तो तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और फिर हमारा चोर पुलिस खेल खत्म। चलो तुम्हारे पापा को फोन करते हैं। नहीं फोन ना करूंगी, फोन ना करूंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते रोमा। अरे अरे गुड्डू बेटे, ये क्या कर रही है तुम? फोन ना करूंगी, फोन ना करूंगी। हेलो। हेलो पापा। रोमा बेटे, बेटे तुम ठीक हो ना? बेटा अपने पापा को बताओ कि तुम कहाँ हो। पापा, मैं एक जगह छुप गई हूँ। आप पुलिस को नहीं बताना। नहीं बेटे, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, लेकिन अरे बोर्ड तो सीधा पकड़ो, मैं पढ़ूंगी कैसे? अब ठीक है, वरना आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बेटा तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ है ओ। हाँ बोलो बेटा। ओ ओ हाँ हाँ दोस्त। कहाँ है मेरी बच्ची? आप बोलते क्यों नहीं? तुझे मालूम था राय दादा एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएगा और वो मेरी बच्ची को भी उठा कर ले गया। अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं दीदी, रोमा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोमा को दीदी। अजीत, मैंने राय दादा के कॉन्टैक्ट के जरिए रोमा का पासपोर्ट बनवा दिया है। अभी फ्लाइट में 4 घंटे बाकी है, तुम आसानी से पहुँच सकते हो। गुड, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इसे हिंदुस्तान क्यों लेके जा रहे हो। क्योंकि मैं वहाँ अंजलि तुम बैठो। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अजीत, रोमा को कोई किडनैप करके ले गया। रोमा को? लेकिन ये हुआ कैसे? कल सुबह कोई आदमी उसे उठा के ले गया। दीदी का रो रो के बुरा हाल है और चीजा जी उनकी हालत देखी नहीं जाती, बिल्कुल पागलों जैसे हो गए हैं। कल से अकेले बैठे सिर्फ रोमा को पुकारते जाते हैं। तुम घबराओ मत अंजलि, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद मुझसे मिलके चीजा जी को कुछ तसली मिले। गुड मॉर्निंग सर। आओ अजीत। मुझे अंजलि ने बताया, बहुत अफसोस हुआ। ऐसा कौन आदमी है जो आपके साथ ऐसा करे? आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं? मेरा कोई दुश्मन नहीं, ये तो मालिक ही जानता है कि मैंने आज तक किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मुझे मालूम था, मैं तुम दोनों से बार बार कहती थी कि कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। नहीं दीदी, गुड्डू को कुछ नहीं। ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि रोमा को कैसे ढूंढा जाए। अगर कोई मुझे मेरी बच्ची से मिला दे तो मैं अपनी जान अपनी दौलत सब उस पर न्यौछावर कर दूं, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूं। आप फिक्र मत कीजिए, गुड्डू जरूर मिल जाएगी। मगर कब? मैं दुख नहीं झेल सकता, मैं गुड्डू के बगैर जी नहीं सकता। संभालिए अपने आप को, आपकी हिम्मत टूट गई तो हम लोगों का क्या होगा? देखिए मुझे, देखिए प्लीज जीजा जी। अंजलि, अगर गुड्डू को कुछ हो गया तो? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ।
जब से रोमा गई है मरीना इसी तरह चिल्ला रही है। रोमा से बहुत प्यार करती है। देती हूँ आ तुम्हें पहुंच दूं। अब जानती नहीं मैं ना रही हूं। अजीत तुम भी कमाल करते हो। तुम्हारी फ्लाइट पौने घंटे की बात है और तुम अंजलि के घर चले गए। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था निशा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि गिरिजा शंकर अपनी बेटी की जुदाई के गम में कितना तड़पता है। और जो उसका हाल मैंने देखा वो तो मैं भी नहीं सोच सकता था। हेलो हेलो पापा। गुड्डू मैं बहुत दूर जा रही हूँ छुपने के लिए। बेटे मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे साथ कौन है। मेरे साथ है दोस्त। दोस्त? कौन दोस्त? वही मासी वाला दोस्त अजीत। Thank you.
की वजह से हुआ है। ना तू उस कमीने की बातों में आती, ना वो तेरे बहाने से यहाँ हमारे घर में घुस पाता। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। अब तेरी इन माफियों से क्या फायदा? तूने तो मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। चले जा यहाँ से। बस करो बेटा, इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं। हम लोग भी तो उसका असली रूप नहीं पहचान पाए। जीजा जी। नहीं अंजलि, रो मत, इसमें किसी का कसूर नहीं, शायद मेरे नसीब का है। मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी चाहिए। नहीं बेटे, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी नहीं जा सकते। मुझे खेल नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। अच्छा बाबा, कल चलेंगे, अभी रात हो रही है, सो जाओ। नहीं, मुझे मम्मी लानी चाहिए, मुझे अभी जाना, अभी जाना, अभी जाना। जिद मत करो गुड्डू। Good morning. ये लो बेटे, कुछ खा लो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ये लो, ठीक है, तुम मत खाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, सारी रात मैंने कुछ खाया नहीं, मैं तो खाऊंगा। Thank you.
मुझे माफ कर दो जीजा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हिम्मत रखो अंजलि, रोमा हमें जरूर मिल जाएगी। अजीत तुम कहाँ थे इतने यहाँ से 20 मील दूर एक आइलैंड है बैंडोस, मैं वहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। तुम रायजादा साहब को कांटेक्ट करो और उनसे कहो मुझे वहाँ से निकालने का इंतजाम करें। अच्छा, और हाँ कुछ खाने पीने का सामान और गुड्डू के लिए कपड़े पैक कर दो, मुझे फौरन जाना है। मैं गुड्डू को सोते छोड़ाया हूँ। Thank you.
तुमने ऐसा क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हम लोगों से जो तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? बोलते क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे जीजा जी ने। जीजा जी ने? हाँ, मेरे पापा एक ईमानदार आदमी थे, तुम्हारे जीजा जी जैसे बेईमानों के दुश्मन, इसलिए तुम्हारे जीजा जी ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर मेरे पापा को एक झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। मेरी जान बचाने के लिए मेरे पापा ने खून कबूल कर लिया और उन्हें फांसी हो गई। इसलिए मैंने गिरिजा शंकर को उसकी बेटी से अलग कर दिया ताकि वो भी अपनी औलाद के लिए तड़प तड़प कर मरे जैसे मेरे पापा मेरा गम सीने में लिए फांसी चढ़ गए थे। मैं नहीं मानती, मेरे जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। अंजलि, अगर तुम कहोगी कि ये दिन नहीं बल्कि रात है तो क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, तुम नहीं मानोगे और ना ही मैं तुमसे ऐसा कहूंगी, लेकिन इंसान के दिल की बातें इतनी साफ और तय नहीं होती हैं जैसे रात का ढल के दिन हो जाना। खैर, तुमसे बहस करना बेकार है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। वक्त तुम्हें बताएगा, मुझे मालूम है। चलो, आज एक बात की तसल्ली तो मुझे हो गई। वो क्या? यही कि तुमने रोमा को पैसे कमाने के लिए किडनैप नहीं किया, और जीजा जी के बारे में जो तुम्हें गलत फहमी है वो तो दूर हो ही जाएगी। एक बात बताओ, तुम रोमा को यहाँ कब तक रखोगे? मैं रोमा को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊंगा, और जब तक नहीं ले जा पाता तुम्हें भी यहीं रहना होगा। एक बार रोमा में यहाँ से निकल गए तो मैं आजाद हूँ। और रोमा, उसका तुम हिंदुस्तान में क्या करोगे? अजीत, बताओ मुझे, रोमा का तुम क्या करोगे? क्या उसे बेच दोगे या उसे मार डालोगे? अरे बेटी, क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो, चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चलो चुप, चलो हंसो हंसो हंसो, चलो चुप हो जाओ।
चाचा जी कुछ सुना आपने? तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। मेरा मतलब है अजीत के बारे में। क्या हुआ अजीत को? सुना उसने गिरजा शंकर की साली को भी किडनैप कर लिया है। हर जगह पुलिस अजीत को ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कम से कम छोड़ो तो सही मुझे। अच्छा अब कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? अरे कहाँ हो? पकड़ लिया। क्यों खूब ऐश हो रही है? लगता है दिन बड़े अच्छे कट रहे हैं अजीत। चलो गुड्डू, तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दिया अजीत। निशा मैं सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। हाँ ये बताओ कि रायजादा साहब कब आ रहे हैं? अरे भाई हंसू, हाँ ये अजीत ने तो कमाल कर दिया। राजेश और नाथ की लड़की को तो उठाया से उठाया, उसकी साली को भी गायब कर दिया। मान गए तुम्हारी ट्रेनिंग को। थैंक यू वेरी मच सर। ए, तुमसे कितनी बार कहा है कि इंग्लिश में बात मत किया करो, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। अच्छा एक काम करो, अजीत और निशा का पता लगाओ कि वो कहाँ है, और राजेश्वर नाथ को खबर कर दो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। नमस्कार राजेश्वरनाथ जी। नमस्कार भाभी, पहचाना नहीं ना? आखिर रायजादा ने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। भाई तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लग रहा था। दिल जैसी चीज तुम्हारे जिस्म है ही नहीं रायजादा, लगेगा कैसे? पुराने दोस्तों के साथ ऐसी बेरुखी। काम की बात करो, आए किस लिए हो? हम अपने किसी मतलब के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे काम के लिए आए हैं। हम तुम्हें यह बताकर तसल्ली देना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी और साली अंजलि बाहिफाजत हमारे कब्जे में है। इंसानों की जिंदगी का सौदा करना यह तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम्हें रोमा और अंजलि की जान की कीमत चाहिए ना? कीमत? आखिर आ गए ना अपनी औकात पर। मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल करने नहीं आया हूं बल्कि मैं तो बिजनेस डील करने आया हूं। क्योंकि 14 साल पहले तुमने मुझे जेल भिजवा दिया था, उस अरसे में मैं तो कुछ कमा नहीं पाया, लेकिन मुझे देखकर यह बहुत खुशी हो रही है कि इस दौरान तुमने काफी दौलत बनाई है। एक जिगरी दोस्त होने के नाते इसमें मेरा भी तो कुछ हक है। मुझे जेल जाने की कीमत नहीं दोगे? देखो राजेश्वरनाथ, मुझे सिर्फ 2.5 करोड़ चाहिए, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। हाँ अगर तुम चाहो तो 1.25 रुपया और दे देना। वो तुम्हारी श्रद्धा की बात है। बकवास बंद करो, पहले मैं रोमा और अंजलि से मिलना चाहता हूं। इम्पॉसिबल, तुम हारे हुए खिलाड़ी हो और एक हारा हुआ खिलाड़ी शर्त नहीं लगा सकता। मैं हारा नहीं हूं रायजादा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे सच की शक्ति है। मैं पहले रोमा और अंजलि से मिलूंगा, फिर तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, तो अभी तक अजीत और निशा का कोई पता नहीं चला? जी नहीं। अंशु उन दोनों का जल्दी से पता लगाओ जी, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि राजेश्वर नाथ हमारी धमकियों में आने वाला नहीं है।
अपनी बेटी और उस साली अंजलि को जब तक वो देख नहीं लेता वो हमें पैसे नहीं देगा। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें बुला रही थी? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें जगाया था और तुम उठे भी थे। हाँ मुझे ये याद है कि मैं रात को दो बार उठा था, मगर एक बार मच्छरों ने जगाया था और दूसरी बार एक छिपकली कंधे पर चढ़ गई थी। ओफो जी, वो मेरा हाथ था। क्या बात कर रही हो, कहाँ तुम्हारा हाथ और कहाँ छिपकली? सुबह सुबह मजाक मत करो। अजीत मैं सब समझती हूँ, इतने भोले मत बनो। अजीत जरा यहाँ ना। क्या बात है? इसे बांध दो। से निकल जाओ निशा, मैंने कहा यहां से निकल जाओ। निशा, तुम कहां थी? जब से हम आए तुम्हें और अजीत को ढूंढ रहे हैं, कहां गई थी तुम? और अजीत कहां है? अजीत यहां से बहुत दूर एक आइलैंड पर है। अंशु, हाँ? हमें फौरन वहां चलना चाहिए। रात हो रही है, वहां जाना ठीक नहीं। तो ठीक है, हम सुबह सुबह निकलेंगे। अजीत वहां ठीक तो है ना? हाँ अजीत कुछ ज्यादा ही ठीक है। निशा तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? अजीत अब वो अजीत नहीं रहा, उसके दिल में गिरजा शंकर की बेटी के लिए ममता और अंजलि के लिए मोहब्बत जागुटी है। हो सकता है कल सुबह वो उन दोनों को गिरजा शंकर के पास वापस भेज दे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सच है और ये बात समझने में मुझे भी बहुत देर लगी, लेकिन अजीत अंजलि के साथ इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका वापस लौटना मुश्किल है। तुम कल सुबह रोमा को यहाँ से लेकर वापस चले जाओ अंजलि। और तुम? मैं अभी वापस नहीं जा सकता। कितना अजीब होता है ये प्यार। कुछ दिन पहले की ही बात है, यही तुम थे, यही मैं थी, मगर मुझे तुमसे कितनी नफरत थी और मैंने यहाँ से भाग जाने की कितनी कोशिश की थी। और आज? आज मैं खुद तुम्हारी कैदी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम कहते हो आजाद हो जाओ, तो मुझे दुख होता है। अंजलि, अजीत, तुम मुझे कभी भूल तो नहीं जाओगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। जिस दिन तुझे
कसम उठा ले, जो भूले बस वो मर जाए, उस दिन मुझको भूल न जाना, जिस दिन मुझसे जी भर जाए। नहीं करेगा तो हम अजीत को खत्म कर देंगे। यानी हम लोग अजीत को मार डालेंगे? हर बेकार चीज को खत्म कर देना चाहिए हंसू, और अजीत की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, अजीत का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। निशा, अजीत आज किसी और लड़की को चाहने लगा, इसलिए तुम भी ऐसी बात कर रही हो? सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी नई नई नेकी और ईमानदारी के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। नई नई नेकी और ईमानदारी नहीं, वो तो पैदाइशी ईमानदार है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का बेटा, जिस दिन उसकी ईमानदारी को सच्चाई का रास्ता मिल गया, वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस दिन उसे पता चल गया कि उसके बाप का असली कातिल राजेश्वर नाथ नहीं बल्कि मैं हूँ, तो क्या वो मेरे खून का प्यासा नहीं हो जाएगा? हाँ वो तो है। और फिर वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा बच्चू, तुम भी तो उसमें शामिल थे। नहीं नहीं, फिर तो उसे फौरन मार डालो। बात तुम्हें जरा देर में समझ आती है मिस्टर हंसू। दोस्त, तुम भी चलो ना हमारे घर पर। गुड्डू ठीक ही कह रही है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। ठीक तो हो ना बेटे? जी।
मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था। जैसे ही निशा ने मुझे बताया कि तुम वहां फंस गए हो, मैं फौरन चला। हाय बेबी, तुम गिरजाशंकर की सुपुत्री रोमा हो ना? हाउ स्वीट। और तुम हो शायद साली अंजलि। अंजलि, तुम गुड्डू को लेकर घर जाओ। चलो। अजीत, तुम रोमा और अंजलि को गिरजाशंकर के पास भेज रहे हो? अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है? भाई हंसु, ये सब कुछ देखकर एक कहानी याद आ गई। एक राजकुमार था, उसने एक हैवान को खत्म करने की कसम खाई। वो हैवान बीच समुंदर में रहता था। राजकुमार उस हैवान के घर गया, लेकिन हैवान ने एक जलपरी को राजकुमार के पीछे लगा दिया, और उस जलपरी ने वही किया जो मेनका ने विश्वामित्र के साथ किया था। यानी उसने राजकुमार को उसकी कसम भुला दी। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। उस राजकुमार की जान एक दूसरे राक्षस की मुट्ठी में थी। जब राक्षस को पता चला कि राजकुमार अपनी कसम भूल गया है, तो उस राक्षस ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। नहीं राजादा साहब, एक मिनट रुकिए। अजीत मेरा गुनहगार है, इसने मुझे जलील किया है। इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। निशा, तुम चुप रहो। तुमने मुझे इस दो टके की छोकरी के लिए जलील किया। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, पहले तुमको और फिर तुम्हारी इस महबूबा को। निशा जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुमने ठीक कहा रजादा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। निशा, अजीत ये लो और मार डालो इस कमीने को, इसने तुम्हारे पापा का खून किया है। चुप रहो। मैं सच कह रही हूँ अजीत, मैंने अपने कानों से सुना है। ये कमीना तुम्हें भी मारना चाहता था, क्योंकि इसको डर था कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम उसके लिए खतरा बन जाओगे। मेरा यकीन करो अजीत, इसने रोमा और अंजलि की जान की कीमत राजेश्वर नाथ से 2.5 करोड़ मांगी है। सोचो मत अजीत, मार डालो इसे, यही तुम्हारे पापा का खूनी है। रुक जाओ अजीत, वहीं रुक जाओ। वेल डन हंसु। अजीत, पिस्तौल इधर लाओ। अजीत! निशा! मैं उतनी बुरी नहीं जितनी तुम समझते हो। निशा, रायजादा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंशु, अजीत साहब का खून बहुत उबल रहा है, इन्हें किसी चीज के साथ बांधकर ठंडे पानी में डाल दो, गर्माइश कम हो जाएगी। हेलो, आ गए राजेश्वर नाथ जी। माफ करना मुझे आने में ज़रा देर हो गई। पैसे ले आए? गुड, बैग मेरे आदमी के हाथ दे दो। रायजादा, पहले रोमा और अंजलि से मिलूंगा, बाद में पैसे दूंगा। काफी समझदार हो गए हो। हाँ अंशु जी, रोमा और साली अंजलि को यहाँ ले आओ। आ
गुड्डू बेटे एक मिनट, पहले बैग मेरे हवाले कर दीजिए। एक मिनट रायजादा, इस बैग को छोड़ दो, क्योंकि जिस जगह मैं तुम्हें भेजने वाला हूं वहां तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बच गए, खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम क्या करोगे? जो काम बाप ने अधूरा छोड़ा था उसे बेटा ही तो पूरा करेगा। सुना अंशु भाई, ये अजीत साहब क्या कह रहे हैं? अब इनसे मैं क्या कहूं? Thank you.
इंडियन पीनल कोड के मुताबिक मुलजिम अजीत को 3 साल की बामशक्कत सजा दी जाती है, लेकिन क्योंकि अजीत ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही रायजादा नरसिंह के सारे अड्डों के बारे में बताकर पुलिस की मदद की, उसकी 3 साल की सजा 1 साल कर दी जाती है। अजीत, अंजलि, तुम हिंदुस्तान कब आई? आज सुबह ही। गुड्डू तुमसे मिलना चाहती थी। कैसी हो गुड्डू? अच्छी हूँ। दोस्त, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? 1 साल। उसके लिए मुझे कितना गिनना पड़ेगा? करीब 3 करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,